बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार का 25 फुट का कुंभकर्ण रूपी पोस्टर बनाकर बुंदेलखंड संस्कृति में मंजीरा, झांझर, घंटा, शंख आदि के साथ सरकार को जगाने की कोशिश की गई। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए किए गए वादे याद कराने के लिए यह रूप अपनाया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भानु सहाय ने वर्तमान सांसद उमा भारती को खुला चैलेंज देते हुए झांसी से दोबारा लड़ने का न्योता दिया। इस दौरान बताया गया कि जब तक बुंदेलखंड राज्य निर्माण नहीं होता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान सभी लोग कचहरी प्रांगण में घूमते हुए पैदल मार्च करते हुए वापस प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन में रमेश कुमार, मकबूल हुसैन, आरिफ मकरानी, दीपक सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कुंभकर्ण का 25 फुट का जो हम लोगों ने चित्र सामने पीछे बनवाया है, ये केंद्र सरकार रूपी कुंभकर्ण है, जिन्होंने हम बुंदेलखंड वासियों से ये वादा किया था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। आज 4.5 साल होने आ गए, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंगा है। तो हम आज इस कुंभकर्णी नींद से केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे। ढोल, नगाड़ा, मजीरा, झींगा, शंख, घंटा, ये सब लेके, ढोलक, लगड़िया, ये सारे यंत्र लेके इस सोई पड़ी केंद्र सरकार को जगाने का कार्य कर रहे थे कि आपने वादा किया है 3 साल के, आपने वादा किया था बुंदेलखंड राज बनवाने का, आप राज बनवाएं, और अगर आप राज नहीं बनवा रहे हैं तो 2019 के लिए आप तैयार हो जाएं। उमा भारती जी, आप 100 बार ये कहें हमें चुनाव नहीं लड़ना है, आप 100 बार ये कहें कि जो बुंदेलखंड राज निर्माण के जितने योद्धा हैं वो एक नहीं है, आप 100 बार ये कहें कि हमें मानचित्र नहीं मिला है, आप 100 बार ये कहें कि मध्य प्रदेश के लोग तैयार नहीं हैं, अब बुंदेलखंड के लोग आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि ये साध्वी तो झूठी निकली। आपको अब गेरुआ वस्त्र उतार देना चाहिए, क्योंकि साध्वी, संत, महात्मा, साधु कभी झूठ नहीं बोलता, और आप झूठ का पुलिंदा बन गई हैं। हम ये 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 चैलेंज दे रहे हैं आपको कि 2019 का चुनाव इसी भूमि से, जिस भूमि पे आपने बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए वादा किया है, आप लड़के दिखाएं।